अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड के बारे में। हमने कल के वीडियो में पिछले वीडियो में बताया था जो आपको यहाँ पे जो फोलियो नंबर कैसे क्रिएट किया जाता है, EKYC कैसे क्रिएट की जाती है और बाद में आप यहाँ पे कैसे उसका एक नंबर बना सकते हैं और म्यूचुअल फंड में आप कैसे पैसे डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक स्टेप हमने बताया था। आज का आगे का स्टेप थोड़ा सा बताएंगे कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे डाल सकते हैं और आप SIP कैसे कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से आप स्कीम में पैसे SBI म्यूचुअल फंड के डाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आज आप कौन सा भी एक फंड ले लीजिए जिसके बारे में आपको अच्छा सा नॉलेज हो या आपने थोड़ा सा उस पर स्टडी किया हो। उस जो स्कीम पर जाइए और थोड़ा सा आप यहाँ पे जो भी आपको सही लगता है वो स्कीम ले लीजिए SBI म्यूचुअल फंड की और उसमें डायरेक्ट यहाँ पे आप पैसा कैसे लगा सकते हैं, यानी कितने आप यहाँ पे SIP कर सकते हो। आज लाइव आपको डेमो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की साइड है SBI म्यूचुअल डॉट की यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है और इसमें हम बात करेंगे स्कीम, हमें स्कीम में डालने का पैसा जो इक्विटी जो स्कीम है उसमें हम पैसा डालेंगे। तो अलग अलग आप हाइब्रिड में डाल सकते हैं, डिबेट में डाल सकते हैं और सॉल्यूशन बॉन्ड और यहाँ पे अदर्स में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इक्विटी में डालने का। इक्विटी में अभी कौन कौन सी स्कीम है हम वो देखेंगे और बाद में आपको बताएंगे कि हम कौन सी स्कीम में यहाँ पे पैसा डालने की सोच रहे हैं। थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे आपको बताने, बताऊँगा कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम अलग अलग स्कीम है। यहाँ पे SBI की अलग अलग यहाँ पे जो स्कीम है, ब्लू चिप है, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो फंड है SBI के वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे जो भी आपको यहाँ पे ग्रोथ अच्छी लगती है या आपको जो भी स्कीम के साथ आपने स्टडी किया है या छोटी जानकारी ले ली है उस प्लान में आप पैसा डाल सकते हैं या स्कीम में पैसा डाल सकते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पे मेरे ख्याल से SBI स्मॉल कैपिटल फंड में हम पैसा डालेंगे क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है उसकी लगभग यहाँ पे 20x के ऊपर है और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी ग्रोथ यही भी दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी यहाँ पे कोई 20 है, कोई 40 है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे अच्छी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसी स्कीम में पैसा डालने बात आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आपने न्यूज़ यूज़र है तो मैंने पहला जो वीडियो बनाया था जो आपको वो देखना पड़ेगा कि न्यू यूज़र के लिए कैसे लॉगिन किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में वीडियो था, वो जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपने इससे पहले अकाउंट क्रिएट किया है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर न्यू यूज़र के लिए है तो आपको लिंक में दिया गया वीडियो देख सकते हैं, वाई बटन में दे दिया गया है लिंक। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से पैन कार्ड नंबर डाल के डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, लॉगिन के जरिए करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल चुका हूँ। मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डाल चुका हूँ मैं यहाँ पे लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा समय लग सकता है ऐसे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो पेज है उस पे पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोलियो जो समरी है यहाँ पे ओपन हो चुकी आ गई है और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मेरा जो फोलियो नंबर है वो दिखा रहा है। अभी सब कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे 00 दिखाई देगा क्योंकि मैंने अभी उसे क्रिएट किया है, 2-3 दिन पहले इसे क्रिएट किया है, इस अकाउंट को बनाया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू इन्वेस्ट पर जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे और यहाँ से हम पैसा डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे पैसे डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस पेज पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अलग अलग यहाँ पे डिटेल्स है, हमें वो डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ मेरा फोलो नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है और यहाँ पे स्कीम दिखा रहा है। यहाँ पे हम इक्विटी कुछ भी चुन सकते हैं। यहाँ पे आप जो ब्रोकर है वहाँ पे डिटेल्स में डायरेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आने के बाद हम थोड़ा सा टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपका जो पेमेंट डिटेल्स है यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो चलिए हम यहाँ से फटक से हमारा एक प्लान ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ग्रोथ है वही रखेंगे और बाद में हम यहाँ पे इक्विटी में हम इक्विटी चलते हैं और यहाँ पे स्कीम जो स्कीम होगी वो यहाँ पे हम डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं
हमें जो स्मॉल कैपिटल फंड है उसमें हमें डालने का है। ये स्मॉल कैपिटल फंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम पैसा लगाने को आज लगाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ है, जो ग्रोथ है उसके ऊपर हम लगाएंगे। स्मॉल कैपिटल फंड SBI स्मॉल कैपिटल फंड में हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे। यहाँ पे कुछ आप टर्म एंड कंडीशन उनकी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। कुछ यहाँ पे 25,000 की भी आप लगा सकते हैं हर महीने। और यहाँ पे जो AMCS उसको कुछ यहाँ पे रिफंड या रिजेक्ट के कुछ इनके पास वो जो अथोराइज उन्होंने आपके पास रखी गई है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो फंड चुना है और यहाँ SIP, यहाँ से हम SIP करेंगे। SIP पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे SIP क्लिक करेंगे। SIP क्लिक करने के बाद आप कितना चाहते हैं अमाउंट यहाँ पे इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंथली या क्वार्टरली। यहाँ पे आप मिनिमम 500 रुपये कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ अलग चाहते तो आप अलग कर सकते हैं। यहाँ पे डेट्स चुन सकते हैं कब से कब तक आपकी SIP हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2,000 रुपये का यहाँ पे चुनूंगा। मैं यहाँ पे 2,000 रुपये आपको कहाँ से कहाँ तक डेट की यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ से मैं जो भी आपको लगता है उस समय से आप यहाँ पे चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 13 तारीख ही दिखा रहा है मुझे, आगे की तारीख दिखा रहा है। तो यहाँ पे 6-10 है, तो आप यहाँ पे आगे से दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे 13 ही कर लूँगा। और आगे चल के यहाँ पे जो 9-13 है जो ऑलरेडी उसने सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे मैं उसे भी सेलेक्ट कर रहने देता हूँ। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कैंसल आर विश यू यूर सेटअप अप टू योर अप यूर SIP, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे आते हो और यहाँ पे बैंक अकाउंट आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स दी गई है कोटक महिंद्रा बैंक की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इशू आ गया है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, यहाँ पे हम वहाँ पे हम उसे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। जो पेमेंट सबसे आले पेमेंट मेथड जो हमने चुनी है वो यहाँ पे OTM चुनी है। अगर आप बिलर भी चुनना चाहते हैं तो बिलर भी चुन सकते हैं, लेकिन मैंने OTM यहाँ पे चुनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे शायद कुछ ऐसा इशू नहीं होगा, हमने सब कुछ यहाँ पे भर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो मंथली जो नंबर है जो मैचुअल 2,000 रुपये की है हमने। यहाँ पे जो पेमेंट OTM यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो प्रीपेड होगी वो यहाँ पे 13 सितंबर 2019 को होगी। थोड़ा सा बैक आते हैं, थोड़ा सा हमें चेंज करने का है यहाँ, तो थोड़ा सा बैक आते हैं। तो हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट की थी वो 10 से हम 10 ही करना चाहते थे, तो हम यहाँ से ऊपर आते हैं और यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो अक्टूबर हम 13 कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं हो रही है, थोड़ा सा हम यहाँ पे, तो नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ इशू हो गया तो नहीं हो रही है। तो ठीक, चलिए मुझे सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं हम यहाँ से दोबारा से। तो मुझे 10 तारीख को चाहिए थी लेकिन 10 तारीख को नहीं हो पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या फिर 12 हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पहले से पेज पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर कंफर्म पे क्लिक करते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ 12 किस्तों में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हमारी जो यहाँ पे कटने वाली है वो हमारे जो मैनेजमेंट जो पेमेंट रजिस्ट्रेशन है उस पे आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो नंबर है वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, मेरा फोलियो नंबर आ गया है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ स्टार्ट की आ गई है और एंड ऑफ डेट की भी आ गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे ओके वर्क कर लेते हैं और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेस बोल रहा है, तो हम यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। तो मुझे यहाँ पे मेरे SBI जो बैंक अकाउंट है उस पे लेके जाएगा ये। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लॉगिन करके पूरा यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने पूरे यहाँ पे कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूरे यहाँ पे आ चुका हूँ। मेरा यहाँ पे एक रुपया यहाँ से कटने वाला है और कुछ दिनों बाद मुझे भी लगभग 7 दिनों के बाद मुझे मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे OTM करने वाले हैं, बाद में हमें मंथली हमारा जो रिक्वायरमेंट होगी वो पैसा कटता ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें यह डिटेल्स पूछ रहा है, 1 रुपीज़ हमारा सेविंग अकाउंट से कटने वाला है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं और फिर से हम यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जो मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ से डालने की कोशिश करूँगा मेरा पासवर्ड, जो भी 1 टाइम पासवर्ड आ गया है यहाँ पे वो यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ से, जो पासवर्ड आ गया है मेरे मोबाइल पे।
तो ऐसे हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखाई रहा है, वो कंप्लीट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। हमें बैक हमारे जो मेन प्रोसेस है जो भी उसके ऊपर लेके जा रहा है हमें, तो प्रोसेस हो रहा है आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे स्लिप भी मिल चुकी है जिसका आप यहाँ पे स्क्रीन शॉट भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्क्रीन शॉट निकालना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे प्रोसेस आ गई, ट्रांजेक्शन आई डी आ चुका है, अपना फोलियो नंबर आ चुका है, स्टेट बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो आ गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं SIP जो पेड होगी वो यहाँ पे 13 अक्टूबर 2018 से 13 सितंबर 2019 तक होगी, ये मंथली होगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होगी वो अमाउंट 2000 रुपये होगी, और यहाँ पे जो पेमेंट में जो ऑफ द इन्वेस्टमेंट होगी वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा करके आप अपना जो भी जो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे स्मॉल कैपिटल फंड में यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में डाला है। तो अगर आप भी डालना चाहते हैं तो आप पैसे डाल सकते हैं और आपकी अलग अलग इनकम सोर्स यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।